वेलकम टू एजुकेशन टुडे चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम क्लास नाइन्थ का किताब खरीदे हैं और देखिए क्या क्या किताब जो है क्लास नाइन्थ में ज़रूरी हैं अगर आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास ये साइंस का किताब है, ठीक है, साइंस का किताब हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का किताब है जो कि एस एन पांडे का किताब है मैथमेटिक्स का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए सोशल साइंस का किताब है, इसे आप SST कहते हैं, यन मिश्रा का है, क्लास नाइन्थ का किताब ये भी है। अभी इसके प्राइस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये किताब की जो लागत मूल्य है वो कितना है। ये जो है प्राइवेट किताबें हैं क्योंकि अलग अलग प्रकाशन के, तो इसलिए ये किताबें महंगी होती है। अगर आप गवर्नमेंट का जो बुक आता है, मतलब NCERT पैटर्न पर आधारित जो किताबें होती हैं, अगर आप NCERT किताबें खरीदेंगे तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो हम सभी किताबों पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। ये देखिए ये ह्यूमन फिगर ड्राइंग का किताब है, ये भी बहुत बढ़िया किताब है, और ये भी क्लास नाइन्थ का आर्ट ऑफ ड्राइंग बुक्स है। चलिए बारी बारी से हम देखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला किताब है साइंस का, यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न साइंस क्लास नाइन्थ, डॉक्टर MV कृष्णन। देखिए डॉक्टर MV कृष्णन IIT चेन्नई XI फैकल्टी नारायण, विजयवाड़ा एंड रिजोनेंस, कोटा राजस्थान, अमन राज MSc बायो, सब लेखक के नाम थे। देखिए पीछे यहाँ पर इसका प्राइस भी लिखा हुआ है कि ये बुक्स कितने की आपकी पड़ेंगी, 499 रुपये इसका प्राइस है, मतलब 500 रुपये का ये किताब है। राजू प्रकाशन एंड सन्स न्यू दिल्ली इसका पब्लिकेशन है। देखते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है सिलेबस लिखा हुआ है और बताया गया है यहाँ पर कौन कौन सी चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स में देखें क्या है, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, मोशन फोर्स एंड वर्क, आवर इन्वायरमेंट। उसके बाद देखिए फूड प्रोडक्शन, और उसके बाद यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं कि कौन सा कितने मार्क्स है। तो कुछ इस तरह से किताब है, ये किताब आपको जो है कलरफुल में मिलेगा, मतलब ब्लैक और रेड ब्लू सब कलर का इसमें यूज किया गया है, और जो पेज क्वालिटी है वो भी बहुत ही बेस्ट है, और इसमें पूरी तरह से आपका समझाया गया है प्रैक्टिकल करने के लिए, मैटर प्रैक्टिकल मैटर भी इसमें दिया गया है, एक्टिविटी भी करने के लिए दिया गया है, और जो इसका समझाने का तरीका है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब आप देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर में क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर देखिए NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस विथ देयर आंसर्स, ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फिर एग्ज़ाम इन्हेंसमेंट टेस्ट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये किताब आपका बेस्ट है, ये किताब आपका लगभग इतना मोटा है, यहाँ पर आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मैथमेटिक्स किताब की, जो कि इंटीग्रल मैथमेटिक्स के नाम से है, SN पांडे इसके लेखक हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बेस्ड रिफरेंस NCERT टेक्स्ट बुक UNIPI अलाइंड, यहाँ पर NCERT द्वारा जो है इस किताब को जो है उसके बेस पर बना हुआ है, और न्यू अराइवल्स। यहाँ पर इसका दाम देखिए तो 499 रुपये इसका प्राइस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर देखिए 500 रुपये लगभग प्राइस है इसका। और ये देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ, यहाँ पर लिखा हुआ है SN पांडे, यहाँ पर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी, ये सब है, और यहाँ पर रियल नंबर, और देखिए यहाँ पर रियल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर और भी सारे चैप्टर्स हैं, ये भी किताब बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर सभी चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। रियल नंबर है, पॉलीनोमियल लीनियर इक्वेशन, इसमें भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर उनको सॉल्व किया गया है। तो ये भी किताब अच्छी किताब है, देखिए इतनी मोटी ये किताब है, और ये किताब का दाम लगभग 500 रुपये है। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास नाइन्थ का ये सोशल साइंस का किताब है, जो कि बहुत ही बढ़िया किताब है ये भी। देखिए यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो 499 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। अबाउट आथर के बारे में देखिए NN मिश्रा की ये किताब है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न मैप वर्क प्रोजेक्ट वर्क, में सब कुछ दिया हुआ है। चैप्टर जो हमारा है इंडिया इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट, इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्योंकि ये देखिए जो UP बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में जो किताबें लगती हैं वो जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये UP बोर्ड से इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स है, चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं।
और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, मैपिंग के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। ये भी किताब जो है बेहतरीन किताब है, इसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं कितनी मोटा है। तीन किताबें बचती हैं, चार किताबें हैं। ये तो देखिए ड्राइंग की किताब है, ह्यूमन फिगर ड्राइंग, यहाँ पर जो है ड्राइंग ये बताया गया है बनाने के लिए। ये भी ड्राइंग बनाने की बहुत अच्छी किताब है, जिसका प्राइस 100 रुपये प्राइस है। यहाँ पर देखिए 100 रुपये लिखा हुआ है। इसके बाद जो किताब आती है वो ये भी ड्राइंग की किताब है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकाशन का ये, श्री बालाजी पब्लिकेशन का ये। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का इंग्लिश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि ये नवीनतम टेक्स्ट बुक है जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, एनसीईआरटी की ही ये किताब है क्लास नाइन्थ की। प्राइस है इसका 240 रुपये, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और भी इसमें समझाया गया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से है, देखिए रीडिंग राइटिंग ग्रामर लिटरेचर सब कुछ इसमें दिया गया है। जो चैप्टर्स के नाम है वो दिए गए हैं यहाँ पर, द फन, द हेड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, फिर मोमेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर, ये सब दिए हैं। द फन, द हेड, इसाक एसिमोव का ये लिखक है इसके, और बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है यहाँ पर। जो लिटरेचर केवल लिटरेचर ये ग्रामर पोर्शन शायद इसमें नहीं है। तो ये इंग्लिश की किताब है कोई आपकी। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी की किताब। हिंदी की किताब जो है वो गद्य काव्य संस्कृत एकांकी व्याकरण सब कुछ है, 230 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है, और दिखते हैं कौन से प्रकाशन की है ये। तो ये जो है एनसीईआरटी पर आधारित एक बुक है जो कि नवीन संस्करण है। ठीक है, मुद्रक प्रिंट सॉल्यूशन मेरठ है। यहाँ पर जो दिए गए हैं कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में, यहाँ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, कबीरदास, संतरविदास, मीरादास, ये सब दिए हुए हैं इनके पद्य गद्य। और संस्कृत में भी व्याकरण भी है, संस्कृत व्याकरण भी है। ठीक है, देखिए कबीरदास का ये साखी हो गया आपका। ये भी किताब बहुत बढ़िया है, पूरी तरह से व्याख्या सहित इसमें दिया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।